कल स्वच्छ रहेंगे तभी तो हम स्वस्थ रह पाएंगे, स्वच्छता के मार्ग पर चलेंगे तभी तो आप स्वस्थ, आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश और पूरा विश्व कह सकते हैं रह पाएगा स्वस्थ। There are, let's talk about perfection. We all want to live a perfect life. As I said, from perfect life to perfect family to perfect salary to perfect children. Then how about perfect life? What is perfection all about? और अगर हम, आप घर बैठे जितने हमारे दर्शक हैं, कितने इस परफेक्शन के करीब है जब बात आती है आपके स्वास्थ्य के बारे में, जानते हैं आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए जो हमें परफेक्ट हेल्थ के बारे में बताएंगे, परफेक्ट हेल्थ मेला के बारे में बताएंगे, कैसे आप जुड़ सकते हैं और हिस्सा बन सकते हैं इस मेले पर, और भी काफी जानकारी होगी। आइए मिलकर स्वागत करते हैं इन कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर के के अग्रवाल, प्रेजिडेंट हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया। वेलकम सर। थैंक यू एंड माय ग्रीटिंग्स टू ऑल द व्यूअर्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि परफेक्ट हेल्थ मेला में एक आदमी अपने को परफेक्ट रखे, इसके लिए क्या क्या किया है आपने? सर, जैसे सबसे पहले तो यहीं से स्टार्ट करें, अभी हमने मिशन गंगे देखा, उसके साथ में तो स्वच्छता तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, हाइजीन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो फूड हाइजीन हो, वाटर हाइजीन हो। आज की डेट में कोई भी आदमी सिर्फ इसलिए नहीं मरना चाहिए क्योंकि वो हाइजीन नहीं था, प्रिवेंटेबल इलनेस नहीं थी। अगर आप एक्सीडेंट से या नेचुरल डिजास्टर से मरते हो, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन नॉट विद प्रिवेंटेबल डिसीजेज। तो स्वच्छता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो मन की हो, चाहे वो शरीर की हो, चाहे वो घर के बाहर की हो। स्वच्छता जो है, टाइफाइड नहीं होगा, डायरिया नहीं होगा, जॉन्स नहीं होगा, इसके अंदर में मलेरिया डेंगू की सारी बीमारियाँ स्वच्छता से बाहर निकल जाएंगी। उसके अलावा आपका, अगर आप स्वच्छता नहीं कर सकते तो कम से कम हार्म रिडक्शन करो। हम बात कर रहे हैं आउटडोर पॉल्यूशन की, इंडोर पॉल्यूशन की। अब जैसे WHO कहता है कि आउटडोर पॉल्यूशन 10 से कम रखो, UK कहता है 25 से कम करो, भारत कहता है 60 से कम रखो, लेकिन यहाँ तो 300 क्रॉस कर रहा है। तो कैसे हम रिडक्शन कर सकते हैं इंडोर पॉल्यूशन, आउटडोर पॉल्यूशन में? घर के अंदर के पॉल्यूशन को कैसे हम कम कर सकते हैं? शराब कैसे छोड़ सकते हैं नहीं तो कम कर सकते हैं? सिगरेट कैसे छोड़ सकते हैं नहीं तो कम कर सकते हैं? तो हर जगह में एक हार्म रिडक्शन की बात आ रही है कि बी परफेक्ट और रिड्यूस द हार्म। तो परफेक्ट हेल्थ मेला जो कल से आयोजन हो रहा है, सुबह 8 से लेकर रात के 10 बजे तक, परफेक्ट मीडियम है इन्फोटेनमेंट का। इन्फोटेनमेंट का मतलब है कि एंटरटेनमेंट के लिए आओ, उसे भूल जाओ, लेकिन हेल्थ मैसेजेस का आनंद लेके जाओ जो आपके अंदर में बीज बो दे और आपको स्वस्थ रखे। सिंपल 4-5 एग्जाम्पल्स में ले चलता हूँ। मेरा पहला एग्जाम्पल है, जैसे कल शाम को 4 बजे 3000 बच्चों को हम एक ही बारी में CPR सिखा रहे हैं कि मरने के 10 मिनट के अंदर अर्लियर द बेटर, कम से कम 10 मिनट तक, लॉन्गर द बेटर, 10x10 कम से कम 100 पर मिनट की स्पीड से अपनी छाती पीटने के बदले मरे हुए इंसान की छाती पीटो तो उठ के बैठ जाएगा। ये सूत्र हो गया जी। अब लोग कहते हैं कि डेंगू का सीजन है, अब डेंगू के सीजन में लोग कहते हैं कि भाई प्लेटलेट भूल जाओ। प्लेटलेट कम होने से खून पतला होना चाहिए, लेकिन प्लेटलेट कम होने से खून पतला होने के बदले गाढ़ा हो जाए तभी अस्पताल जाओ, नहीं तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। फ्लू को लेके चलो, नो फीवर नो फ्लू, नो ब्रेथलेसनेस नो एडमिशन। अगर आपको फ्लू है और सांस नहीं फूल रहा, ना टेस्ट की जरूरत है, ना ट्रीटमेंट की जरूरत है, ना डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, फोन पे बात कर लो, ये सूत्र कहलाते हैं। तो ऐसे सूत्र जो हमारे को हर जगह पे बीमारियों से बचा सके या हार्म रिड्यूस कर सके, जैसे एंटीबायोटिक है कि सेल्फ एंटीबायोटिक नहीं लेनी। तो एक बहुत बड़ी कैंपेन हमारी से नो टू एंटीबायोटिक्स के ऊपर में आ रही है। अगर आप एंटीबायोटिक्स खाओगे तो आपके पैसे ज्यादा लगेंगे, हार्म ज्यादा होगा। हार्म रिडक्शन करना है तो एंटीबायोटिक मत लो। तो पूरा का पूरा मेला इंफोटेनमेंट के माध्यम से, व्हेन आई से इंफोटेनमेंट, कॉमेडी शो भी है, फैशन शो भी है, कोरियोग्राफी शो भी है, ठुमरी शो भी है, वहां पे कव्वाली भी है। बड़े बड़े आर्टिस्ट को पूरे इंडिया से आ रहे हैं, जैसे पद्मा अवार्ड, विभूषण, भूषण, पद्मश्री, जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सब आके मैसेजेस देंगे। तो अगर आप यू हिट द आयरन व्हेन इट इज हॉट एंड लिसन टू द पीपल हु काउंट, दैट इज व्हाट परफेक्ट हेल्थ मेला इज। एब्सोल्युटली। सो यू नो पद्मश्री डॉक्टर अग्रवाल, पहले तो हम कांग्रेचुलेट करेंगे फॉर सच एन अमेजिंग कॉन्सेप्शन, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट टुडेज जनरेशन, दिस इज व्हाट दैट स्ट्राइक्स, यू नो, बिकॉज व्हाटएवर सेल्स टुडे इज द एंटरटेनमेंट, बट विद द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज दैट मेक्स अ चेंज। सो कमिंग साइड बाय साइड, जैसे आप लोग टीवी में करते हो ना कि हर न्यूज के अंदर में कहते हैं ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद आपकी भी ब्रेक आएंगी अभी, बिल्कुल बिल्कुल। उस ब्रेक में आप कमर्शियल्स दिखाते हो, हाँ। हम भी कमर्शियल्स दिखाते हैं, लेकिन हमारे जो कमर्शियल्स होते हैं वो हेल्थ मैसेजेस होते हैं। परफेक्ट। तो चीज वही है, आप भी चाहते हो कि आपके एंटरटेनमेंट के बीच में लोगों को माध्यम से कोई मैसेज जाए, हम भी वही चाहते हैं।
तो हर एंटरटेनमेंट में बीच बीच में हेल्थ के मैसेजेस छोड़ दो तो लोगों के अंदर में वो बस जाते हैं और वही हमारा बेसिक है। तो मतलब बिफोर कमिंग टू द हेल्थ ऑन द होल का वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द हेल्थ मेला। तो घर बैठे लोग, हमारे जितने भी दर्शक है, अगर हिस्सा बनना चाहे, जुड़ना चाहे, क्या कोई फीस, कोई टिकट ऑनलाइन, कोई हमें टिकट काटनी पड़ेगी, क्या क्या कहेंगे? सब कुछ फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ फ्री। अगर आप वॉलंटियर हो तो खाना भी फ्री है, खाना भी फ्री, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, कॉम्पिटिशंस, एग्जीबिशंस, चेकअप्स, बहुत प्रकार के चेकअप्स, कोई कंसल्टेशन नहीं है और बहुत सारे ब्लड टेस्ट भी फ्री हैं। अलग अलग जगह पे हर आदमी कुछ ना कुछ फ्री ऑफर कर रहा है उसके साथ में। और इंफोटेनमेंट है, रोज शाम को कॉन्क्लेव भी हैं और रोज शाम को 5 से लेकर 8 बजे तक तो रियल एंजॉयमेंट है विद हेल्थ मैसेजेस। Absolutely. So what else you can watch if you have entertainment, if you have information and if it's about your and your family's health. And बहुत सारी चीजें Perfect Health Mela के Facebook पेज में लाइव भी होंगी, घर बैठे भी देख होगी। और अगर आप एक बार हमारे दर्शकों को इसका वेन्यू भी बता दें ताकि वो जरूर इस हेल्थ मेले का हिस्सा बने। तालकटोरा स्टेडियम, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आनंद लीजिए इंफोटेनमेंट का और हेल्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करिए। हमारा पर्पस है कि आप स्वस्थ रहें, उसके लिए अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो वहां आके पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस बार जो आपने परफेक्ट हेल्थ मेला का थीम रखा है वो है अफोर्डेबल हेल्थ केयर, भारत जैसे देश में कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं इस विषय को? सबसे इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द वर्ड अफोर्डेबल हेल्थ केयर। अगर आपको किसी इंडस्ट्री से बात करो वो कहेगा मुझे जेट हवाई जहाज खरीदना है, वो भी बात करेगा अफोर्डेबल। बिल्कुल। सो अफोर्डेबल इज बेस्ड ऑन योर पेइंग कैपेसिटी, दैट्स अफोर्डेबल। नोबडी शुड डाई जस्ट बिकॉज ही और शी कैन नॉट अफोर्ड, दैट्स वन। एंड केयर शुड बी द सेम, वेदर आप 1 रुपया दो, आप 1 करोड़ रुपया दो फॉर द सेम सर्विस, द केयर शुड बी द सेम एंड दैट इज अफोर्डेबल हेल्थ केयर। सो अफोर्डेबल हेल्थ केयर आज की डेट में जब से मोदी जी की आयुष्मान भारत स्कीम आई है तो कोई देश में हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से गरीब नहीं रहना चाहिए। 40% का प्रीमियम सरकार पे कर रही है, 60% अपना पे कर सकते हैं, करीबन 10% ऐसे हैं जिसको ESI के माध्यम से है। तो आज की डेट में हम लोग सक्षम होने चाहिए हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हर आदमी का इंश्योरेंस होना चाहिए ताकि इमरजेंसी में इंश्योरेंस है और इमरजेंसी नहीं है तो प्रिवेंशन है, उसमें परफेक्ट हेल्थ मेला है। परफेक्ट हेल्थ के बारे में बात करो, अपने डॉक्टर के बारे में बात, डॉक्टर से बात करो कि बीमारियों से बचा जा सके। एक मैं बचा देता हूँ बचने का, वो मेरा फॉर्मूला ऑफ 50 है, 10 सेकंड में रिपीट कर देता हूँ कि दिल की धड़कन, नीचे का ब्लड प्रेशर, गंदे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, फास्टिंग शुगर, पेट की चौड़ाई 80 से कम रखें। इसके लिए 80 मिनट रोज चलें, एक हफ्ते में 80 मिनट तेज चलें, 1 मिनट में कम से कम 80 कदम चलें, एयर पोल्यूशन 80 से कम, नॉइज पोल्यूशन 80 से कम, दिन भर में 80 साइकिल प्राणायाम की करें, उसके साल में 80 दिन अनाज मत खाएं, साल में 80 दिन धूप में बैठें ताकि विटामिन डी मिले, एंटीबायोटिक ना खाएं, सिगरेट ना पिए, अगर शराब ना पिए, पी रहे हो तो कम करो नहीं तो 80,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा, हार्म रिडक्शन के अंदर में आओ। और अगर आपको ऐसा करोगे तो 80% चांसेस है हार्ट अटैक नहीं होगा, हो गया तो डॉक्टर से बात करो कि 80 मिलीग्राम एस्पिरिन, 80 मिलीग्राम स्टैटिन क्यों तो नहीं दी, अगर वो करोगे तो मरोगे नहीं, मर भी गए तो वे चिंता नहीं कि 80% चांसेस है, कोई आपको फार्मूला ऑफ 10 जो मैंने अभी बताया है उससे आपको चिंता कर देगा। इन सूत्रों को और बेहतर ढंग से समझना है तो आप भी परफेक्ट हेल्थ मेला में जरूर जाएं। और हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि जैसे बड़े बड़े वैश्विक खेल आयोजन होते हैं, ओलंपिक खेल होता है, खेल होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, उसमें एक शुभंकर होता है, ठीक उसी तर्ज पे डॉक्टर साहब ने भी इस मेले का शुभंकर रखा है और वो है डॉक्टर टक्कर, कुछ इसके बारे में बताइए। जी, बेसिकली हमेशा जब भी हमें कहीं पर भी कोई चीज करनी है तो वी नीड सम करेक्टर इसके साथ में, तो हमने हाथी को एक करेक्टर बनाया है। वाई हाथी? हाथी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, दिमाग से काम करता है एंड ही इज द मोस्ट हेल्दी पर्सन उसके साथ में। और एक बड़ा मैसेज हाथी का आ रहा है कि खाना खाता है और हाथी को डायबिटीज नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। सो जो एक एग्जांपल जाता है कि मोटे लोगों के लिए कि जो मोटे लोग होते हैं इसका मतलब वो कहता है कि मेरे को तो बीमारी होगी, ऐसा नहीं है उसके साथ में। सो हाथी को लेकिन अगर आप चीनी खिलाओगे, गन्ना खाता है जो नेचुरल है, अननेचुरल चीजें खिलाओगे तो वो भी बीमार हो जाएगा। तो डॉक्टर टस्कर वहां पर घूमता हुआ नजर आएगा, आपको हेल्थ के बारे में मैसेजेस देगा, कभी हार्म रिडक्शन के बारे में बात करेगा तो कभी वो बात करेगा CPR के बारे में, लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेगा, जानकारी मिलेगी, एंटरटेनमेंट होगा। बट यू नो एज यू राइटली सेड अबाउट द फॉर्मूला ऑफ 80, बट डॉक्टर अग्रवाल, व्हाट डू यू थिंक इज परफेक्ट हेल्थ ऑल अबाउट? बिकॉज इन टुडेज टाइम व्हेन यू हैव स्ट्रेस, you have that outdoor pollution, you have the EMIs to be fulfilled, you have the pressure for your children and your house and your personal and your professional life. So what do you think in today's time, how can we achieve that perfect health? ek hi line hai, wo hai harm reduction, jo cheez aapke haath mein hai
आउटडोर पॉल्यूशन की चिंता छोड़ो, पहले इंडोर पॉल्यूशन की बात करो। गंगे की चिंता के साथ साथ पहले घर में सफाई रखो। अगर आप अपने अंदर में घर में सफाई रखोगे, अपना इंडोर पॉल्यूशन कम रखोगे, तो आउटडोर का ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सो अपने आप को स्वस्थ रखो, दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव। अपने घर को, अपने सराउंडिंग्स को स्वस्थ रखो। हर आदमी सिर्फ इतना सोच ले, और अगर नहीं कर सकते तो हार्म रिडक्शन करो कोई भी चीज का। एयर पॉल्यूशन नहीं कम कर सकते तो कुछ ना कुछ तो, अब जैसे एयर पॉल्यूशन बाहर बहुत ज्यादा है तो घर में अगरबत्ती क्यों जलानी, घर के अंदर में आपको झाड़ू क्यों लगानी, घर के बाहर पानी क्यों नहीं दे सकते आप अपनी मिट्टी के अंदर में। आप अपना काम करो, यू से मैंने अपने लिए क्या किया, अपने घर के लिए क्या किया, अपने समाज के लिए क्या किया। मुझे क्रिटिसाइज नहीं करना किसी को, मैं अपने लिए अगर करता हूँ वो हार्म रिडक्शन या वो प्रिवेंशन बहुत जरूरी है, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है। डॉक्टर साहब, इस मेले में आप नीपा बुखार, डेंगू के साथ साथ और भी कुछ उभरती हुई बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए क्या व्यवस्था है? स्टूडेंट्स हैं, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, इसके अंदर में डांसिंग स्कूल्स हैं, इसमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं। तो हमें लोगों को बताना होता है कि जो जैसे नीपा है, तो हमारे को एक चीज लोगों को बतानी है, एनीथिंग अनयूजुअल, एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एनीथिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन, नोटिफाई नोटिफाई नोटिफाई, तभी हमारे को कोई बीमारी बहुत पहले स्टेज के अंदर में पकड़ में आएगी। अदरवाइज वही होगा, जीका के केसेस जयपुर में आ रहे हैं और बहुत दिनों के बाद पता लग रहा है कि इतने सारे केस आ गए। पहला केस ही पकड़ में आना चाहिए था। कोई भी नई बीमारी का पहला केस पकड़ना, इंडेक्स केस पकड़ना बहुत जरूरी है, और उसके लिए हेल्थ मेले में स्टूडेंट्स को मैसेज देना बहुत जरूरी है। तो करीबन हजारों की तादाद में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वही हमारे मैसेंजर है, आज नहीं तो कल हमारी कंट्री को यूथ ही चलाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से वही मैसेज को जो है वायरल कर सकते हैं। बिल्कुल, वायरल होगा तभी घर घर तक जाएगा, तभी यंगस्टर्स हम कहेंगे जुड़ पाएंगे। आपके बिटवीन द मैसेजेस आपने एक तो कहा ओवर द काउंटर दवा ना लें, एंटीबायोटिक से दूर रहे, साथ साथ जैसे कि आपने कहा कि फ्लू है, फीवर है तो फ्लू है। अक्सर हमने देखा है कि लोगों को ये नहीं पता होता वेयर टू गो एंड यू नो टॉक टू द स्पेशलिस्ट, आपने कब जाना है फिजिशियन के पास, कब दवा लेनी है। खासतौर से मार्केट में आजकल वैक्सीन अवेलेबल है डॉक्टर अग्रवाल, क्या लगता है, क्योंकि आजकल एज अ सेल पर्पज देखा जाए, फाइनेंशियली देखा जाए, एक वैक्सीन नहीं दूसरी ले लो आपको बच्चे से इससे निजात पाया जाएगा, क्या लगता है कि इस पर भी अवेयरनेस जरूरी है? सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज है कि प्रिवेंशन इज फ्री, ऑल वैक्सीन आर फ्री सरकार की तरफ से। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो सरकार के पास जाओ, वहां से आपको सारे वैक्सीन फ्री मिल रहे हैं। जो सरकार से फ्री नहीं मिल रहा वो ऑप्शनल है, अपने डॉक्टर से डिस्कस करो, इफ यू कैन अफोर्ड टेक इट, अदरवाइज जरूरी नहीं है कि आप, इट्स नॉट नेसेसरी। नेसेसरी होता तो नेशनल प्रोग्राम में आ जाता, जरूर होता। तो नेशनल प्रोग्राम के सारे वैक्सीन फ्री हैं, टीबी की दवाई फ्री है, लेप्रेसी की दवाई फ्री है, कॉन्ट्रासेप्शन फ्री है, डायरिया की दवाइयां फ्री हैं, अस्पताल में एडमिशन फ्री हैं। तो कब हमेशा सरकार के ऊपर में विश्वास रखो, प्रिवेंशन की बात करो, और हमेशा अपने एक लोकल डॉक्टर को, फैमिली फिजिशियन को हायर करो कि भाई तू मेरे रिटेनरशिप में मेरा डॉक्टर है, तू मेरा गाइड कर। वो कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है, सीधा स्पेशलिस्ट के पास जाओगे तो आपको नुकसान होगा। गो बैक टू योर फैमिली डॉक्टर, गेट योर इंश्योरेंस डन, गेट योर इंश्योरेंस डन। अब तो सरकार ने कंपल्सरी कर दिया, 40% लोगों का सरकार दे रही है, तो 60% तो अफोर्ड कर सकते हैं ना, वो अपना इंश्योरेंस करा। बिल्कुल, बहुत अहम बात आई है कि पहले स्पेशलिस्ट पर जाने से पहले अपने जनरल फिजिशियन के पास जाएं, वैक्सीन फ्री है और जो जरूरी है वो हमारे हेल्थ कैंपिंग में ऑलरेडी एडेड है। एब्सोल्युटली। शिखा, इस मेले में एक और जो अच्छी चीज हो रही है वो ये है कि दिल्ली सरकार के जो मोहल्ला क्लिनिक है उसको भी लाइव शोकेस कर रहे हैं आप, कुछ बताएं उसके बारे में। दिल्ली सरकार के साथ में मिलके ये मेला हो रहा है, एनडीएमसी, एमसीडी, दिल्ली सरकार के सारे डिपार्टमेंट्स है, भारत सरकार से यूथ मिनिस्ट्री है, डीएसपी है, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं। हमेशा से हमने एक चीज कही थी दिल्ली सरकार को कि अपना मोहल्ला क्लिनिक को वहां पे आप डिस्प्ले करो। अगर वो अपना पूरा मोहल्ला क्लिनिक डिस्प्ले करते हैं तो आम जनता तक एक करेक्ट मैसेज जाएगा कि मोहल्ला क्लिनिक मोहल्ले के अंदर में है, वहां पे आप जाइए, चेकअप फ्री है, इन्वेस्टिगेशन फ्री है, दवाइयां फ्री है, डॉक्टर की कंसल्टेशन फ्री है। तो अब ये देखिए कॉन्सेप्ट, प्राइमरी केयर मोहल्ला क्लिनिक में मिल गई, सेकेंडरी टर्शरी केयर आपने इंश्योरेंस करा दिया, और प्रिवेंशन के लिए आपके पास में गाइड करने के लिए आपके पास में फैमिली फिजिशियन है, तो हेल्थ इज टेकन केयर ऑफ। एब्सोल्युटली। सो ये मोहल्ला क्लिनिक एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। आयुष्मान भारत में जो वेलनेस क्लिनिक्स आ रहे हैं वो भी ऐसे ही होंगे पूरे भारत में, जो 1.5 लाख होंगे। तो अल्टीमेटली घर के अंदर में आपके आसपास एक ऐसा क्लिनिक होना चाहिए जो आपको गाइड करे और इमरजेंसी के अंदर में प्राइमरी केयर दे सके।
Absolutely. So, Dr. Aggarwal, when you are putting in so much of effort, the government is putting in so much of effort, people have access to social media, people are more aware. Kya lagta hai health scene overall Bharat ka ho raha hai? See, jab tak population control mein nahi aayegi, ye dikkatein to aayengi. Because aaj ki date mein aapke ghar mein indoor pollution kyun hai? Kyunki ventilation nahi hai, kyunki zyada log hain ghar ke andar mein. हाइजीन अभी तक नहीं है. जब तक आप ओपन डिफिकेशन खत्म नहीं करोगे पूरे इंडिया से बीमारियां आपकी फैलेंगी. डिफिकेशन आंधी आई ऊपर उड़ा घर के अंदर में आपका. अब ये पानी आपका जो है घर के अंदर में मान लीजिए ऊपर कवर नहीं है तो उसमें कुछ जाके गिर गया और आपको पता भी नहीं लगा. तो एज ए होल इंडिया का फ्यूचर बहुत अच्छा है लेकिन पॉपुलेशन के साथ में और कुछ करने की जरूरत है और वो और कुछ सिर्फ आप और मुझे करना है, सरकार को नहीं करना. मुझे अपना घर, मुझे अपना कमरा, मुझे अपना ऑफिस, मुझे अपना एनवायरनमेंट और मुझे अपने शरीर को ठीक रखना. एब्सोल्युटली. सो यू नो माई स्पेस माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट्स योर हाउस. आपकी स्वच्छता है, आपके परिवार की स्वच्छता है, तभी आपका देश कहलाएगा स्वच्छ. बिल्कुल, देश स्वच्छ कहलाएगा. और इसके बारे में अगर आपको कोई डाउट हो तो मेला है ये, आप आइए, आनंद लीजिए, बात करिए. मेले के बाद में भी हम लोग हमेशा अवेलेबल. आप इसके बारे में दूरदर्शन के माध्यम से भी जानकारी मिलती है और हमारे माध्यम से भी जानकारी कंटिन्यू रहती है. डॉक्टर साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये मेला पिछले वर्ष की तुलना में बड़ा, बेहतर और रोमांचक होगा, तो दर्शक क्या उम्मीद करें, जो जाने वाले हैं वो क्या सोच कर जाएं? एक तो शाम के समय जरूर आओ, एंटरटेनमेंट है क्योंकि हम आनंद के ऊपर में एंटरटेनमेंट, बिकॉज वी हैव चुन्नूलाल मिश्रा की ठुमरी है, वी हैव वाटसी ब्रदर्स फॉर कव्वाली, वी हैव परमिंदर सिंह का कॉमेडी शो, वी हैव शिवानी कश्यप एंड वी हैव राहुल खरबंदा इन वेरियस फंक्शन, वी हैव लॉट्स ऑफ पद्मा समथिंग. तो अगर आप वहाँ एंटरटेनमेंट लेके जाओगे तो तीन घंटे में बहुत सारे हेल्थ मैसेजेस आप लेके जाओगे. ईसीजी कराना ना भूलें. हम सब लोगों जो आ रहे हैं सबका ईसीजी कर रहे हैं जी. जितने लोग वहाँ पर आ रहे हैं वहाँ पे हम उन लोगों को कंसल्टेशंस दे रहे हैं, सीपीआर सिखा रहे हैं. मरे हुए आदमी को कैसे जिंदा करना ये तो हम कम से कम 25,000 लोगों को वहाँ सिखाएंगे. और अगर 25,000 लोग सीख लेते हैं तो कल कोई भी आदमी मरता है तो उसके आसपास कोई ना कोई आदमी, हमारी सीपीआर जो सेना है वो कोई ना कोई खड़ा होगा आदमी को बचाने की कोशिश करेगा. तो हर दर्शक जो वहाँ पे आ रहा है हर एक के लिए कुछ ना कुछ है. दैट इज व्हाट परफेक्ट हेल्थ मेला. बिल्कुल परफेक्ट हेल्थ मेला है, साथ साथ हम कहेंगे परफेक्ट टाइम है बिकॉज फेस्टिविटीज अराउंड द कॉर्नर. कम्युनिकेशन एमटीएनएल की तरफ से हो रहा है क्योंकि टाइटल उनका है जी. तो वो लोग लोगों को एसएमएस भेजेंगे 16,00,000 लोगों को. बिल्कुल, ये हेल्थ मैसेजेस वो भी पहुंचाएंगे. हम कहेंगे व्हाट एल्स यू वांट, एवरीथिंग इज बीइंग सर्वड इन अ फ्लैटर. आपको सब कुछ परोसा जा रहा है, आपको आकर सिर्फ इस मेले का हिस्सा बनना है. डॉक्टर अग्रवाल, समय कम है मेले, लेकिन फेस्टिविटीज इज अराउंड द कॉर्नर. फेस्टिविटीज जाहिर से बात है आपसे यू नो यू टेंड टू ईट एंड बाइंड इन टू सो मेनी थिंग्स, बट कीपिंग इन माइंड आप कुछ हेल्थ टिप्स दीजिए व्हेन फेस्टिविटीज यू आर अ पार्ट ऑफ दोस. तो सबसे पहले फेस्टिवल्स को मनाना बहुत जरूरी है. ये फेस्टिवल्स इस चार महीने में चतुर्मास में ही होते हैं क्योंकि इस टाइम पे नेगेटिविटी ऑफ द माइंड ज्यादा होती है. तो जितनी भी नेगेटिविटी को रिमूव करने के फेस्टिवल्स हैं, चाहे वो आप नवरात्रि ले लो, चाहे वो दशहरा ले लो, चाहे आप उसके बाद में शरद पूर्णिमा ले लो, करवा चौथ ले लो, कोई अष्टमी ले लो, धनतेरस ले लो, दे ऑल एंड विद इंटरनल प्यूरिफिकेशन. तो इस सीजन के अंदर में चतुर्मास के टाइम पे क्योंकि हमारी नेगेटिविटी ज्यादा होती है तो हम खाना हल्का खाते हैं, अनाज कम खाते हैं, जैसे नवरात्रों में अनाज नहीं खाया जाता. उसके साथ में आवर पर्पस इज प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड क्योंकि इसमें नेगेटिविटी ज्यादा होती है. तो शायद इसलिए चार महीने के अंदर शादियां नहीं होती, अच्छे काम नहीं होते, लोगों को एजुकेशन ज्यादा होती है. हमारा मेला भी इस टाइम पे आता है ताकि लोगों की नेगेटिविटी कम हो और हम उसको गाइड कर सकें. कुछ सूत्र हैं जो लोगों को याद रखने चाहिए. जो चीज पेड़ों से आती है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता. जो चीज हरी है वो कड़वी है, वो एंटी ओबेसिटी है, एंटी डायबिटिक है. जो चीज जमीन के नीचे से खाने के लिए आ तो 12 घंटे 2 घंटे पानी में भिगो के खाओ या हल्की आंच में उबाल के खाओ. उसके साथ में सातों कलर, छह और टेस्ट खाने के अंदर में सातों कलर होने चाहिए, छह और टेस्ट होने चाहिए. चीनी चावल मैदा मत खाओ. घी तेल मक्खन आधा किलो पर पर्सन पर मंथ, इससे ज्यादा मत खाओ. उसके साथ में तो और दिन भर के अंदर में आप चलो जितना चल सकते हो 10,000 कदम चलो. तो इस प्रकार के बहुत सारे मैसेजेस हैं जो हमारे को सालों साल करने हैं. और फेस्टिव सीजन के अंदर में मन को शांत रखना बहुत जरूरी है, खासकर इन महीनों के अंदर में, ताकि नेगेटिविटी ऑफ माइंड आपको तंग ना करे. एब्सोल्युटली. तो इन बातों का अगर रखेंगे ख्याल तो फेस्टिविटीज को हम जी भर के जी पाएंगे, नॉट ओनली फॉर 4 months, विल से फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर एज वेल. ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच डॉक्टर अग्रवाल फॉर जॉइनिंग अस. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस मेला एंड फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स. सब लोगों को एक ही है कि शिखर पे पहुंचो इच्छा के साथ में और आनंद लो मेले का और मेले में जरूर आओ. बिल्कुल, मेले में जरूर आओ और डॉक्टर अग्रवाल की इन बातों का ध्यान रखें. थैंक यू सो मच वंस अगेन.